दयाना सागर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का सोच रहा हूँ 2024 में, क्या ये एक वाइज डिसीजन है? क्या दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का कोई इनहाउस एग्जामिनेशन होता है? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया जा सकता है बीटेक कोर्सेज के लिए? क्या डी सेट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है? डी सेट का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? अगर मैं एक एलिजिबल स्टूडेंट हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फर्नांडिस संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी सेट 2024 के फुल अपडेट। Hi, I'm Rashmi, I'm a BTech IT graduate और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech फर्नांडिस प्लस सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो की। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो इस वीडियो को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो अगर हम इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 24 एंड 25 फरवरी 2024 को एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। इनफैक्ट अगर हम फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल और मई की भी बात करें तो ये एग्जामिनेशन होंगे अलग अलग राउंड, अलग अलग फेजेस, अलग अलग स्लॉट्स में। बट एज ऑफ टूडे आपके जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। फॉर एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन आप इसकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ और वो है, व्हाट इज दयानंद सागर यूनिवर्सिटी एंड यहाँ से बीटेक करना क्यों चूज करना चाहिए मुझे? दयानंद सागर यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन है ये 1960s में फॉर्म हुआ था, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। एंड ये यूनिवर्सिटी यानी दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बना 2014 में। इसके एज ऑफ टुडे दो कैंपसेस हैं। इसका जो पहला वाला कैंपस है यानी जिसे मेन कैंपस कहा जाता है वो रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो दूसरा कैंपस है वो होसूर रोड बेंगलुरु में सिचुएटेड है। अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो काफी अच्छा रिकॉर्ड जो है प्लेसमेंट्स का भी रहा है। 300 से ज्यादा कंपनीज जो है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को ऑफर प्लेस कर चुकी है लास्ट एकेडमिक ईयर इन 2023 में। एंड जो स्टार्टिंग पैकेज जो है वो गया है लगभग लोगों का 6.5 LPA का एवरेज। एंड अगर मैं ओवरऑल पैकेज में से हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 25 LPA से ज्यादा का पैकेज गया हुआ है, यानी कि यहाँ से इंजीनियरिंग करना आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर मैं दूसरा रीजन बात करूँ तो वो है इसकी स्कॉलरशिप। अगर आप एक एलिजिबल स्टूडेंट है, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप पक्का मिलेगी, आप अवेल कर सकते हैं एंड अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक में बात करूं तो 5 करोड़ से ज्यादा की जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मिल चुकी है। एंड अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो 806 स्कॉलरशिप्स जो है वो अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने के बाद मिल चुकी है। तो ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है अगर आप दयानंद सागर यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं। जो तीसरा रीजन है वो है इसके कोर्सेज। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कन्वेंशनल कोर्सेज इन बीटेक वो भी रन होते हैं, अनकन्वेंशनल कोर्सेज सच एज डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये वाले कोर्सेज भी रन होते हैं। साथ के साथ बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में तो आप एडमिशन पा सकते ही हैं। बीटेक लैटरल एंट्री से भी अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं, सेकंड ईयर में डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये भी आपको प्रोविजन जो है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है। चौथा रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, एंड इसको हम इस तरीके से भी डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट एडमिशन जो है वो पॉसिबल है। दूसरा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कर्नाटका के अंदर है, तो CUMED के अंदर ये कॉलेज जो है वो आता है, तो आप इससे भी एडमिशन पा सकते हैं। सेकंड, आप अगर KCET देते हैं तो उससे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। चौथा, अगर आप यूनिगॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। JEE के स्कोर के ऊपर जा सकते हैं एंड CUET के स्कोर के बेसिस के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि आपके पास बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ डोर्स ओपन है ताकि आप दयानंद यूनिवर्सिटी से जो है अपनी इंजीनियरिंग कर सके। ये एक बहुत अच्छा रीजन इसीलिए भी है क्योंकि सिर्फ एक स्कोर के बेसिस के ऊपर ही मैंडेटरी नहीं हो जाता है आपका एडमिशन प्रोसेस। अब हम डिस्कस करते हैं डी सेट को, यानी कि दयानंद सागर एडमिशन टेस्ट को, जो एक इनका इनहाउस एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर इंजीनियरिंग। तो अगर हम डी सेट एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये डेट जो है आने ही वाली है, आपको इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए। ये एक 120 मिनट का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बिल्कुल CET या JEE मेन के पेपर की तरह ही होने वाला है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड बहुत अच्छी बात यह है कि ये एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक होम बेस्ड सेंटर एग्जामिनेशन, यानी अपने घर में रहकर ही इस एग्जामिनेशन को ले सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 10+2 जो है वो आपने क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए। अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इसके बाद 12th में आपके केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो
इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आपकी है तो भी आप एज अ थर्ड सब्जेक्ट उसको लेकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एग्रीगेट यहाँ पर 45% मार्क्स है। अगर हम यूनिवर्सिटी या PUC की बात करें तो आपका जो 10+2 है वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हुआ होना मैंडेटरी है। अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आपको अपना स्लॉट जो है वो खुद चूज करना है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है 1000 रुपीज जो आपको ऑनलाइन पे करनी है। जब अपना डेट एंड टाइम एंड स्लॉट चूज कर लेंगे उसके बाद आपके आगे के प्रोसेस जो है वो फॉलो होंगे। आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आप एग्जामिनेशन के लिए अपियर करेंगे एंड उसके बाद आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके थ्रू रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और डीसेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में ही मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी को लेके या डीसेट 2024 एग्जामिनेशन को लेके तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल 2024 में इंजीनियरिंग के सपने देख रहे हैं। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीडेक फंडास बाय सनस्टोन को। अगले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से लेकर आने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।